सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 15 अगस्त, तो आज हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ये तो सभी जानते ही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई देती हूँ। और जिन जिन वीरों ने ना अपना अपने प्राणों का बलिदान दिया है हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो उन वीरों को भी मैं सत सत नमन करती हूँ कि वो वीर तो हमारे चले गए हैं जिन्होंने अपना खून बहाया। तो उनके जाने के बाद भी हम उनको याद रखते हैं, तो फिर से मैं यही कहूँगी कि उनको सत सत नमन। तो आज के दिन मैं आप लोगों के साथ कोई भी अपना घर का काम शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन है आज, क्योंकि आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। तो अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी ना, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, बताना मुझे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जा कर के मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती हमारी ये आकाश हमारा, ये धरती हमारी ये आकाश हमारा, फिर भी ब्रिटिश के शासन में कुछ भी क्यों नहीं था हमारा, फिर भी ब्रिटिश के शासन में कुछ भी क्यों नहीं था हमारा। जो अंग्रेज़ यहाँ गैर बनकर आए थे, जो अंग्रेज़ यहाँ गैर बनकर आए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही थी। कुछ अपनों के मन में ही बस गई गद्दारी थी, कुछ अपनों के मन में ही बस गई गद्दारी थी। उस गद्दारी की सबसे बड़ी कीमत हमारे वीरों ने अपनी जान गंवाकर चुकाई थी, अपनी जान गंवाकर भारत को आज़ादी दिलाई थी। प्रति वर्ष 15 अगस्त को झंडा हम फहराते हैं, आओ याद करें उन वीरों को यह गीत सदा ही गाते हैं। ना जाने कितनी माओं ने अपने लाल को तिरंगा पहनाया है, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये थी मेरी छोटी सी कविता। कैसी लगी आपको मेरी कविता, बताना ज़रूर मुझे।